जय साथियों, कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं, जब दिल में हो जीतने की उम्मीद तो कोई परिस्थितियां तुम्हें हरा सकता नहीं, और संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं तो क्या बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। तो चलिए एक भाई का और जवानी नटर आ गए हैं, देखिए यहाँ खड़ा है जावेद भाई, और काफी संघर्ष के बाद बहुत बार ये दिल्ली दौड़े हैं, बताएंगे अपना संघर्ष की कहानी किस प्रकार, मतलब कितना टाइम लग गया जवानी नटर आने में भाई? कम से कम एक साल, एक साल की ज्यादा, एक साल से ज्यादा लगे, बीच में कोरोना भी था, परेशान हो गए तो दिल्ली दौड़ दौड़ के, लेकिन आज जॉनी लेटर आ गया है, क्या चीज का आया है एक टिकट बताया जाएगा, चलिए बोलना बोला जी इनको बोलवा स्टार्ट करेंगे भाई। देखिए हम हमेशा कहते हैं कुछ कहते हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जावेद भाई, और ये इसी रूम से है, ठीक है, हम लोग रेगुलर सेट मारते थे एलपी समय भी मारे थे, और अभी जो ग्रुप डी हुआ था उसके बाद थोड़ा सा मतलब कि बाहर तो नहीं गया कुछ काम से, जो अभी सेट मारन नहीं आ रहे हैं। तो हमेशा कहते हैं आप लगातार मेहनत कीजिएगा तो आपको एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। तो 2018 वैकेंसी का आई है, ठीक है, इतना तो आप सारा चीज ये भी बताएंगे। तो 2018 वैकेंसी का और लगातार मेहनत करने बाद सब कुछ प्रक्रिया सारा प्रक्रिया हो गया था, फिर भी दिल्ली में इनका ज्वाइनिंग लेटर लटकाए हुए था, तो 2 से 3 बार क्या 6-6 बार दिल्ली दौड़े हैं। तो आज इनके सामने जो है डायरेक्ट आप जो देख रहे हैं ये जीवन भर का जो आप बोल सकते हैं राशि फल या फिर जो भी बोल सकते हैं एकदम जीवन का खुशी जो इतना तड़प होता है, ये जो दिल में खुशी मिलता है वो आज इनके समक्ष यानी सभी लोग के सामने, हम ही लोग का ग्रुप का रेगुलर रहते हैं, तो इसके लिए जो है क्या बोले आपकी जो। तो चलिए, तो बहुत मतलब परेशानी हुआ था दौड़ते दौड़ते, पता लगाते लगाते आरटीआई मारते मारते, पता है ना कि जो सफलता मिल जाता जवानी लेटर आ जाता जितना भी थकावट हुआ जितना भी दुख हुआ दर्द हुआ सब भूल जाता है, एक सेकंड में सब गायब हो जाता है, क्योंकि इसका खुशी कुछ अलग होता है। और कौन सा पोस्ट का है ये सारा चीज बताएंगे, बता दीजिए ए टू जेड, नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुआ है, ठीक है, हम इसी जीके जीएस मस्ती क्लास से हमेशा दवा आते थे, शर्ट भी मारते थे, ठीक है, बीच में अभी मेरा जो बगल में घर है, हाँ मेरा बगल में ये घर है, और हम 2018 में मतलब ये तो जान रहे हैं आप लोग की वैकेंसी हुआ 2018 का ही है, लेकिन ये बीच में एग्जाम तो हो गया था लेकिन मेडिकल में मेरा जो है लटका दिया था, अनफिट कर दिया था, उसमें बोल रहा था कि आपका जो है ऑल कैटेगरी और अनफिट, मतलब सभी में आप अनफिट है, लेकिन हकीकत में ये है कि मेरा जो था कलर विजन था इसकी वजह से जो है मेरा अटका हुआ था, फिर भी इसके बाद फिर हम अपील किए, फिर उसके बाद एम्स में एक बार नहीं पिछले शुरुआत जब मेडिकल मेरा हुआ था तो उसी टाइम मेरा हमको भेजा था कि हाँ कि आप जाइए एम्स, तो एम्स में जाके हम लिखवा के लाए कि हाँ हम फिट हैं सही है, लेकिन फिर भी जो है वो क्या किया मेरा पेपर को फाड़ दिया था, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा बोला कि आप जो है अपील कर सकते हैं, यहाँ से आपको जो है आप घर चले जाइए, ठीक है, उसके बाद हम चले आए, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरे पास लेटर आया कि आप जो है सभी में अनफिट हैं, तो इसकी वजह से फिर हम अपील किए, उसके बाद फिर हम कोरोना काल में ही गए 2020 में, हाँ 18 दिसंबर को याद हमको डेट है, 18 दिसंबर 2020 को हम गए वहाँ पे एम्स में, फिर उसके बाद वहाँ पे जाँच उच हुआ, उसके बाद फिर जाके बोला कि आप घर चले जाइए, उसके बाद फिर हम चले आए, उसके बाद फिर मेरा लेटर आया कि आप जो है फिट हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग नहीं आया, फिर हम दिल्ली गए, वहाँ पे मेरा हेडक्वार्टर है बड़ौदा हाउस, वहाँ पे पता किए तो बोला कि आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर बना हुआ है लेकिन भेजा नहीं है, फिर भी जो है फिर उसके बाद हम चले आए, फिर देखे इंतजार किए 6 महीना, उसके बाद फिर भी नहीं आया, फिर दोबारा गए तो फिर बोला कि आपका ज्वाइनिंग जो होगा लखनऊ में पोस्टिंग होगा, ठीक है, फिर उसके बाद फिर दोबारा फिर एक बार और गए तो उसके बाद फिर बोला कि आपका जो है आलमबाग में होगा, इसमें क्लियर बताया था, तब जाके फिर अभी मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया। कौन पोस्ट का है ये? मेरा पोस्ट है एलपी टेक्नीशियन का है, फिटर।
तो आप लोग देख सकते हैं कितना परेशानी हुआ है, लेकिन वही बोलते हैं कि परेशानी आपका बहुत होगा जब आपका सपना टूट जाएगा पूरा एकदम अरम हार हार पर जाइएगा तब आपको जाके मिलेगा सफलता, और जितना भी दुख दर्द हुआ सारा फिर जो है दूर हो जाता है जब ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। तो ये बताना वो जरूरी था तो आप लोग के सामने बता दिए हैं, और ये देखिए ज्वाइनिंग लेटर है देख सकते हैं ठीक है ये, और यहाँ भी लगा हुआ है फोटो पीछे भी लगा हुआ है तो वो आप लोग को दिखा दिया जाएगा आप लोग को। और आपको और कहा जाता है कि मतलब डायरेक्ट सफलता मिलता है तो उसका स्वाद नहीं ले पाता, लेकिन जब बहुत सारा असफलता के बाद बहुत सारा मेहनत के बाद परिश्रम के बाद दुख के बाद दर्द के बाद जब सफलता मिलता है तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, सातवां आसमान पर होता है। तो चलिए और कुछ किसी को बोलना है, एक सेकंड बोलो कुछ बोलो। सबसे पहले इनको हौसला को हम बहुत सलाम करते हैं क्योंकि जीवन में हमेशा हौसला को रखना चाहिए, क्योंकि हर पल जब भी कभी हौसला टूट जाए तो बस याद कीजिए कि आप कितना मेहनत किए इसके पीछे, अब पल भर में हौसला टूट जाता है। तो आप इनका सुने थे कि हौसला जब एम्स में गया था तब पेपर फाड़ दिया था, उस समय क्या बीतता मेडिकल के समय, हर एक पल आपको खाना तक नहीं खाया जाएगा ना पानी पिया जाएगा। तो इनके हौसला को हम सलाम करते हैं, आप भी जब भी टूटे हैं तो पिछला जितना जीवन में आप कार्य किए हैं आप एक पल में हौसला को नहीं तोड़े, बस इतना ही कहेंगे उसी को आप जितना पिछला कभी हौसला टूटे पीछे को याद कीजिए, अपने माँ बाप को याद कीजिए, अपने मेहनत को याद कीजिए और आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता तड़पाती बहुत है मगर सफलता मिलती एक दिन जरूर है। बस इसी के साथ बहुत बहुत मार को इनको केक जरूर खिलाएंगे आप, हम हमेशा बोलते हैं। चलिए तो सबसे पहले पूरा खाना पूरा चलिए आपको भी इसी तरह से मेहनत करना है, सब खाओ लो बोला हम हमेशा डबल खाओ डबल हम हमेशा बोलते हैं आप यहाँ पर आइए हम आपको पेट पिलाएंगे। लड़का कैंडिडेट से पैसा लेके